हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रोइंग विद निमित। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं वाटरफॉल्स इन सकलेशपुर। हम अभी आ गए हैं मुकना मने अभी वाटरफॉल्स, और रास्ता बहुत प्यारा था। सुबह सुबह हम निकल आए थे, हम निकले थे शायद 6:30 या 6:45 पे, और यहाँ हम पहुँच गए हैं 7:45 पे। 45 मिनट्स का डिस्टेंस था हमारे रिजॉर्ट से जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है वहाँ से। सकलेशपुर टाउन के बाद के रोड्स बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन है, और मानसून में ये रास्ता और व्यूज और भी ज़्यादा स्टनिंग लगते हैं। जैसे आप फॉल्स के पास पहुंचने वाले होंगे अराउंड 10 किलोमीटर्स पहले से, रोड थोड़ा नैरो हो जाएगा पर ड्राइव बिल्कुल स्मूथ रहेगी। और यहां से लेना है लास्ट राइट टर्न, और 1 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाओगे आपकी डेस्टिनेशन पे। अभी यहां पे कोई भी नहीं है, हम सबसे पहले पहुंचे हुए हैं लग रहा है, कोई गाड़ी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैप हम फॉलो करके आए हैं, मैप से इजीली यहां पहुंच गए। तो यहां पे हम आ गए हैं ये रास्ता फॉलो करके, और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, और यहाँ नीचे से आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की। मुझे लगता है यहाँ नीचे जाना है। हाँ। चलो आप लोग आगे चलो, मैं आप ये वैसे भी पॉइजनस है। देखो यहाँ से जाते हैं ना सीधा स्टीप हो गया था और मैं गिर गया। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है, और इधर से ये रास्ता है नीचे जाने का। यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से मत जाना, ठीक है, साइड साइड से आना। अभी ये ट्रेल देख के डरना नहीं, क्योंकि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ना ही यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। बस थोड़ा ही नीचे जाकर आपको सीमेंटेड स्टेयर मिलेंगी, बस इतना ही नीचे आपको जाना है और आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। बट यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, और ना ही ये जगह अच्छे से मेंटेन की हुई है, तो शायद यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते होंगे। बट ये जगह एक्सप्लोरर्स एंड एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए हेवन है। कैसे ये जानने के लिए वीडियो आगे तक देखते रहिए। देखो ना अभी इधर जाना है, फिर नीचे जाना है मेरे ख्याल से। तो अभी क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, हम यहाँ ये वाली स्टेयर से निकल के आए हैं, और हमने अपनी गाड़ी ऊपर पार्क करी है, बट यहाँ पे भी एक ऊपर कार खड़ी है, यहाँ पे भी एक ट्रक खड़ा है। तो हम सोच रहे हैं कि शायद यहाँ तक अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर। तो अब हमें ढूंढना है वाटरफॉल। पहले हम ये राइट वाला पाथ चेक करेंगे, यहाँ गैस वर्क ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई साइन बोर्ड्स नहीं है यहाँ पे। ओह वाओ, और ये पानी दिख गया है, थोड़ा गंदा है। वाटरफॉल उधर है, हम ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा शायद। इधर कुछ नहीं है, हम वापस जाएंगे अभी, क्योंकि आवाज़ ना उस तरफ से आ रही है पानी की, वाटरफॉल की। तो उधर से जाएंगे, और शायद बैक साइड से होगा वाटरफॉल। तो अभी इधर से चलते हैं वापस, देखते हैं कितना है पानी अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुई नहीं है। वैसे कल तो पूरा दिन बारिश हुई थी, बट बहुत हल्की हल्की बारिश थी। हम ये स्टेयर्स से आए थे, तो अभी हम इधर से स्ट्रेट जाएंगे। थोड़ा सा ही चल के आए हैं, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे छोटा सा वाटरफॉल। पानी इतना साफ नहीं है, और इस साइड से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे लग रहा है कोई अच्छा तगड़े वाला वाटरफॉल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर क्या बना रहे हैं ये लोग, यहाँ पे बोल रहे रास्ता ही नहीं है, फिर कैसे जाएंगे नीचे। कहाँ से जाना पड़ेगा? अच्छा नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। चलो फिर, तो अभी सुमित ने सजेस्ट किया है कि हम ये वाले रास्ते से जाएंगे नीचे। मेरे को बॉटल दे दो। बैठ बैठ के भी नहीं जा पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बस स्लाइड करके जा पाएगा, जा पाओगे नहीं, बैठ बैठ के जाके देखो। अभी नोई ट्राई कर रहा है बैठ बैठ के जाने का। नाउ इट्स माय टर्न टू गो, देखते हैं
मैं जा पाऊँगी कि नहीं वो भी बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा रास्ता दिखाया वहाँ से वो लोग निकल गए हैं, एक ये भी रास्ता है बट यहाँ से थोड़ा स्लिप होने का डर है। तो ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, वो पूरा ऊपर से, वो पूरा ऊपर से दिख रहा है। तो मैं, हम लोगों ने क्या टेक्निक करी, हम लोग बैठ बैठ के आ रहे हैं, इस तरह से बैठ बैठ के नीचे जा रहे हैं। वो देखो वो दोनों पहुंच भी गए हैं, और अगर आपको दिखेगा ना तो वहाँ बहुत सारा कचरा है, बहुत गंदा है। चलो हाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखती हूँ, कैमरा ऑन करके मैं उतर पाऊँगी कि नहीं, गिर ना जाऊँ। आज हमारा डे टू का एडवेंचर हो रहा है। पसीने छूट गए पर मजा आ रहा है। मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, कैमरा ना ख़राब हो जाए। तो हम ये पूरा नीचे उतर के आए हैं और इस वक्त यहाँ पानी थोड़ा गंदा लग रहा है। इसका रीज़न हमें किसी ने बताया कि जब बारिशें स्टार्ट होती है उस टाइम पानी के साथ काफ़ी मड बहकर आती है, जिसकी वजह से पानी मर के लगता है, बट थोड़े ही दिनों में ये मड सेटल हो जाती है एंड वाटर बिल्कुल क्लियर दिखता है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी ऐसी किसी अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाएं, उसे बिल्कुल वैसे ही छोड़कर वापस आएं, वहाँ गंद बिल्कुल ना मचाएं। बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। हम एक और रास्ता देख रहे हैं, ये बॉयज आए थे यहाँ, आए वहाँ से, बड़ा पेड़ इधर से जा रहे हैं, बट मुझे ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें पकड़ने का कुछ भी नहीं है। तो हम इधर से नहीं जाएंगे, हम वापस इधर से जाएंगे। But this one is much safer. हम easily चढ़ जाएंगे but थक जाएंगे हम ज़्यादा, क्योंकि ऊपर चढ़ना, अब हमें अपने बॉडी को ऊपर खींचना है। टाइम आ गया इस जगह को बाय बाय बोलने का, मन तो नहीं हो रहा यहाँ से जाने का बट जाना होगा, हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे और टाइम हो गया है 9:00। तो हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स। एक बार और मेरे साथ वाटरफॉल्स आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप भी नेचर लवर है, एडवेंचर लवर है हमारी तरह, इस जगह को अपने प्लान में ज़रूर ऐड करें। दिस इज़ मुकनमाने अब्बी वाटरफॉल्स। नो वेट, अब टाइम आ गया है वापस ऊपर जाने का। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी हिम्मत, स्ट्रेंथ, उसी के लिए मैंने वॉक करी थी डेली। ओके चलो चलते हैं। देखो वो लोग तो पहुंच भी गए हैं, नोई तो सबसे पहले निकल गया था अपने आप ही। मैं आ जाऊंगी। चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, देखो मैं अभी इतनी ऊपर चढ़ के आ गई हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। और बस मैं आधे रास्ते आ चुकी हूँ, आधा रास्ता रह गया। चलो भाई चलते हैं, बट मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाथ चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। नहीं क्या दिखा आपको, दिखाओ ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो राइट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन सतलज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।